खैर फ्राइडे मीटिंग में देख लेंगे। तुम मुझे ये बताओ कि ये अकलियतों वाली बस्ती का प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? सर, गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक ना बरतने की अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। सर, हम एक हिंदू बस्ती भी अडॉप्ट करने की वर्किंग कर रहे हैं। भाई, अगर ये तुम्हारी हमसाई वाली बस्ती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। सर, ये वही बस्ती है और ये उस बस्ती को गोद लेने की अडॉप्ट करने के लिए बेकरार है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हम वहाँ क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? हेल्थ, एजुकेशन, फ्री जस्टिस एंड कैरियर ओरिएंटेशन। That's fine. और क्या नाम है उस लड़की का जो पढ़ाती भी है और पढ़ना भी चाहती है? बागड़ी? सीता बागड़ी। हाँ, यस, सीता बागड़ी। मैं ये चाह रहा था कि फंड्स रिलीज होते ही मोबिलाइजेशन के लिए उसको भी साथ रख लें। श्योर सर। बात यह है कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और गैर हुनरमंद अफराद की बहुतात जो है हमारे लिए मसला बन गई है। तालीम, सेहत, रोज़गार, इंसाफ और ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम पाकिस्तानियों को अपने पैरों पर खड़ा करना हमारे प्रोजेक्ट्स का बुनियादी मकसद। सर, हम छोटी बस्तियों में स्कूल्स भी तो खोल सकते हैं। शी इज़ राइट। हमने दो स्कूल बना रखे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स को चलाते रहना, दैट इज़ द मेन थिंग। प्रोजेक्ट्स को शुरू करना कोई मसला नहीं। तो हम डोनेशंस जमा करने के लिए कोई कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं? हम चंदा मार का सोप नहीं बनाते। इंसान दोस्त फाउंडेशन में लोग अपने पैसे खर्च करके और खड़े होके तो प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं। बेटा, रसीद काट कर किसी की ज़कात, खैरात या किसी की कुर्बानी की खाल को छीन कर अपने सिस्टम में डाल देना, ये हमारा मकसद है। सर, मुझे और अलीजे को कोई ऐसा काम दें जिससे हम दिन रात बिजी हो और आउटपुट भी हो। यंग मैन, जिंदगी से इतना बोर हो गए हो या दफ्तर से कि सारा टाइम जो है अपना काम में लगा देना चाहते हो? यस सर, आई मीन नो सर, बस मैं काम करना चाहता हूँ, कोई बड़ा काम। देखो, कोई काम छोटा नहीं होता और हर इंसान बड़ा होता है अगर वो अपने अंदर झांक के तो बड़ा मकसद ढूंढ ले। एनीवेज, अलीजे, वो अकलियतों वाले प्रोजेक्ट्स की जो है प्रपोजल बना के आप मुझे दीजिए। वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। राइट सर। थैंक यू सर। गुड, कैरी ऑन। Okay.